पहाड़ी जबान में अपडेट सुनिए। भारत एक पासे अपने आप को दुनिया की सब थी बड़ी जमहूरियत का दावा करदे होया नहीं थकदा, लेकिन दुए पासे मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर विच उसकी दहशतगर्द फौज सुन बेगुनाह कश्मीरी हुरियत पसंद आवाम का जीना हराम कर रखिया। कतल गारत गरी, शबाना छापे, मुहासरे, गिरफ्तारियां, जाली झड़पां, दौरान हिरासत हलाकतां, चादर और चार दीवारी दे तकद्दस की पामाली उथे हर रोज का मामूल है। ये तमाम सूरत हाल भारतीय बरबरीयत और सफाकियत का मुंह बोल का सबूत है। यह सिलसिला आज का नहीं है बल्कि गुज़श्ता 32 साल थी जारी वसारी है। कश्मीर भी लोगों की जिंदगी भारतीय गासब और कातल फौज दे रहम करम होता है, जिसको चावन कतल करन और जिसको चावन जान बख्शी कर देवन। गुज़श्ता 32 साल के दौरान भारतीय सफाक फौज सुन 95,980 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। 11,000 से ज्यादा कुड़ियों की चादर इसमत को पामाल किया, 1,00,000 से ज्यादा बच्चे यतीम, 22,000 से ज्यादा कुड़ियां बेवा और 7,000 से ज्यादा लोगों को दौरान हिरासत लापता कर दिया है। बीजेपी की मक्कार वयार हुकूमत के दौरे जबर विच सिलसिला अपने आखिरी हदा तिकर पहुंच गया है। भारतीय दहशतगर्द फौज कश्मीर विच कहर सामानी इस वास्ते कर रही है ताकि हुरियत पसंद आवाम को डराया धमकाया जुला और वो अपने मिशन थी पीछे हट जुलन। लेकिन माहिरीन का आखना है कि इस तरह के तादीबी हरबे नाल आजादी पसंदा दे जज्बाई हुरियत को काट नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हां विच इंतकामी आग भड़कती है। दुश्मन के खिलाफ नफरत विच वाधा होंदा है और अपने मकसद नाल वालहाना वाबस्तगी पैदा होंदी है। इस वास्ते भारतीय हुकूमत को चाहिए है कि वो ताकत दे इस्तेमाल को तर्क करके मसले कश्मीर को पुरामन सफरी की मुज़ाकरात के जरिए हल करे ताकि पूरे जनूबी एशिया विच अमन दे क़याम को मुमकिन बनाया जा सके।